ये सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बॉर्डर कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 है, ये मेरे पास जो है लेटेस्ट वर्सन है। इसके बाद 2016 आया है, लेकिन अभी मैं आपको 2013 में पेज में बॉर्डर कैसे डालते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फटाफट अंदाज में एकदम। इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है जो कि बहुत सी आपके लिए यूजफुल है, तो आप अगर मेरे दूसरा वीडियो भी अगर देखते हैं तो आपके लिए शायद फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पेज बॉर्डर कैसे डालें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। सबसे पहले पेज बॉर्डर को डालने के लिए आपको पेज लेआउट में आना होगा, सॉरी डिजाइन में आना होगा। डिजाइन में आने के बाद आपका यहाँ पर आपका एक पेज बैकग्राउंड मिलेगा। तो पेज बैकग्राउंड यानी पेज बॉर्डर, पेज कलर वाटरमार्क। तो पेज बॉर्डर कहाँ होता है? डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में आपका एक ग्रुप है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में तीन ऑप्शन है आपके सामने, तीन कमांड है। एक है पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर हम लेने के लिए सीखेंगे। पेज बॉर्डर में देखिए बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग, तो मुझे पेज बॉर्डर से रिलेटेड काम करना है। बॉक्स, इसमें दो प्रकार के बॉर्डर हैं आपके पास, एक है लाइन बॉर्डर और दूसरा है आर्ट बॉर्डर। तो लाइन बॉर्डर को हम पहले देखते हैं। लाइन बॉर्डर को लेने के लिए आपको बॉर्डर बॉक्स पर क्लिक करना होगा। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो, लाइन यहाँ पर जो स्टाइल है ये बॉर्डर का स्टाइल है, आपको जो भी पसंद है उसका, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो आप कलर ले सकते हैं, इसकी मोटाई आप ले सकते हैं और ओके कर सकते हैं। इस तरीके से आप बॉर्डर ले सकते हैं। दूसरा बॉर्डर लेना चाहते हैं या बॉर्डर हटाना चाहते हैं, अगर दूसरा स्टाइल बॉर्डर का लेना चाहते हैं तो आप दूसरा बॉर्डर स्टाइल ले सकते हैं। दूसरा कलर लेना चाहते हैं दूसरा कलर ले सकते हैं। फिर बाद में अगर ऐसा आपको लगता है कि मुझे बॉर्डर नहीं रखना है, मुझे बॉर्डर हटाना है, तो आपको नन पर क्लिक करना होगा और बॉर्डर हट जाएगा। फिर बाद में ख्याल आया कि नहीं मुझे बॉर्डर रखना है लेकिन आर्ट बॉर्डर रखना है, तो उसके लिए आपको फिर से पेज बॉर्डर पर क्लिक करना होगा और आर्ट बॉर्डर पर क्लिक करना होगा। इसमें से जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है, जो भी आप देना चाहते हैं बॉर्डर में, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर से मैं एक दो बॉर्डर लेकर आपको मैं दिखाता हूँ। कोई भी बॉर्डर आप लेना चाहते हैं, इसका साइज भी आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं। बॉर्डर का जो वाइट है उसकी चौड़ाई जो है वो आप कम कर सकते हैं। कुछ बॉर्डर का कलर फिक्स है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मोटाई चौड़ाई में घटा बढ़ा सकते हैं, इस हिसाब से कर सकते हैं। कुछ बॉर्डर और भी देख लेते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो कोई भी बॉर्डर आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ दिक्कतें हों, कुछ और जानना चाहते हों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सुंदर सुंदर वीडियो आपके लिए बनाकर मैं आपके अपने चैनल पर डालता हूँ, जो कि आप प्रत्येक दिन आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ये बॉर्डर का, पेज बॉर्डर का काम आज खत्म होता है। ये आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को अवश्य बताने कि ये चैनल भी आपको अच्छा सिखाता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।